नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये खबर संबंधित है स्वास्थ्य जागरूकता रथ से। ये मुजफ्फरपुर जिला है और शुभंकरपुर पंचायत, जहाँ पर मुझे स्वास्थ्य जागरूकता रथ दिखा है। और मैं आप दर्शकों को बता दूँ कि ये रथ पूरे ज़िले में घूम घूम कर, कई सारे रथ यहाँ से जो निकले हैं वो घूम घूम कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या जागरूकता को लेकर मैसेज दिया जा रहा है, आप एक बार अपना वो ऑडियो चलाएं, देखिए सुनिएगा क्या। और समझो, जो ना सुने उसे समझाओ, कैसे इस साल चमके बुखार से अपने बच्चों को बचाओ। मौसम आया है गर्मी का, कहीं डर तो नहीं चमके का? छोड़ो डर और कस लो कमर, टाइम है चमके को धमकी देने का। चमके को पहली धमकी, रात में बच्चों को खाली पेट न सोने देंगे, चमकी बुखार हम तुझको पास न आने देंगे। चमके को दूसरी धमकी, सुबह सुबह जागते ही बच्चों को भी जगाएंगे, बेहोशी या चमक तो नहीं बूझ के चमकी को हराएंगे। चमकी को तीसरी धमकी, बेहोशी या चमक दिखते ही मिनट ना एक गवाएंगे, एम्बुलेंस या गाड़ी में लेकर सीधा अस्पताल ले जाएंगे। चमकी को देनी है धमकी मिलके हम सबको, क्योंकि जान से प्यारे हैं हमारे बच्चे हमको। रोके थोड़ा, देखिए ये जो स्वास्थ्य जागरूकता रथ है, मैं दर्शकों को बता दूं कि अपना मुजफ्फरपुर जिला जो है वो पहले AES से प्रभावित हुआ था और बहुत ही ज़्यादा बच्चों की जान गई थी। थोड़ा साउंड इसको आप रोक दीजिए एक मिनट के लिए। तो देखिए ये यहाँ पर मैं आप दर्शकों को बता दूं कि ये यहाँ पर जो साउंड अभी हो रहा है, जो बताया जा रहा है, वो इसमें स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप दर्शकों को मैं भी कहना चाहूँगा, यदि स्वास्थ्य जागरूकता रथ आपके यहाँ गया है तब भी गया ही होगा, और नहीं गया है तो मैं आज आपको इस जागरूकता रथ से परिचय करवा रहा हूं। देखिए यहां पर आपने देखा, इसमें ऑडियो क्लिप चल रहे हैं, इसमें लोगों को बताया जा रहा है कैसे चमकी को धमकी देनी है। और आप इसको ध्यान रखें, ये जो समस्या है जो बच्चों के साथ हो रही है, जो पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों की जान चली गई, तो इसको लेकर ये स्वास्थ्य जागरूकता रथ घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहा है। और यदि आप इस मुजफ्फरपुर क्षेत्र से विशेषकर जुड़े हुए हैं तो जरूर आपको AES के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको चमकी को धमकी, जैसे आपने ऑडियो में सुना, तो आप पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑडियो में जो आपने सुना है वो यही है कि चमकी को धमकी देने को जो बात यहाँ पर आ रही है, इसमें क्या है कि AES के बारे में बताया गया है कि मस्तिष्क ज्वर, जापानी इंसेफ्लाइटिस और दिमागी बुखार, चमकी बुखार, ये जो है एक गंभीर बीमारी है जो सौ समय इलाज से ठीक हो सकता है। अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में यह बीमारी फैलती है। 1 से 15 वर्ष तक के बच्चे इस बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं आप दर्शकों को बता दूँ कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी ठीक हो सकती है समय रहते यदि आप इलाज करते हैं। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आप ये ज़रूर जान लें कि इसमें जो चमकी को धमकी देने की बात कही गई है, आप इसको देखिए। और मैं आपको पुनः इसको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा कि किस तरह यहाँ पर चमकी को धमकी देने की बात कही गई। मोटे मोटे तौर पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें ये है कि बच्चे को आपको अगर जो समस्या हो रही है, इन समस्या को विशेषकर मैं जरूर दिखाना चाहूँगा कि देखिए, यदि सर दर्द, तेज बुखार आना जो 5-7 दिनों से ज़्यादा का न हो, मस्तिष्क ज्वर के लक्षण ये हो सकते हैं, अर्धचेतना एवं मरीज में जो यहाँ पर है पहचानने की क्षमता नहीं होना, जो बच्चे हैं वो भ्रम पैदा उनमें हो जाती है, भ्रम की स्थिति में होना, बच्चे का बेहोश हो जाना, तो ऐसी समस्या है तो उनको चमकी बुखार का लक्षण माना जाएगा। शरीर में चमकी होना अथवा जो शरीर जो आपका हाथ पैर में जो है थरथराहट होना, ये बातें उसमें देखी गई है कि बच्चों में हो जाती है जब आपको चमकी बुखार हो जाता है। साथ ही साथ पूरे शरीर या किसी खास अंग में लकवा मार देना या हाथ पैर का अकड़ जाना, बच्चे हाथ पैर उनका अकड़ जाता है, जो बातें यहाँ पर लिखी गई है, जो एक्सपर्ट के माध्यम से बताई गई है चमकी को लेकर, तो इसको आपको ध्यान रखनी है। यदि आपके बच्चे को कहीं से भी इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो ज़रूर से ज़रूर आप डॉक्टर को तुरंत जितना जल्दी हो सके संबंधित PHC में या संबंधित जो अस्पताल है आपके करीब का अस्पताल, वहाँ पर लेकर के जाएं। तो यहाँ पर है बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन ठीक नहीं होना, बच्चे अलबल कुछ कुछ बोलने लगते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं जिसमें कि आपको लगेगा कि ये नॉर्मल नहीं है, तो इस तरह से अगर लक्षण हैं कहीं भी तो आपको ज़रूर से ज़रूर जाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाना चाहिए। तो ये है, कहते हैं कि उपरोक्त लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखने पर अविलंब अपने गाँव की आशा ANM दीदी से संपर्क कर अपने सबसे
निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर चिकित्सीय जो परामर्श है उनको लेना है। इसके उपरांत ही सदर अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चे को इलाज हेतु ले जाना है। देखिए होता क्या है कि ये जो लक्षण है ये बच्चे में जब आने लगता है तो बच्चे को जल्दी से जल्दी उसको कुछ ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो जाती है, जो फर्स्ट एड उसको कहें, उसको सुरक्षित करने को लेकर कहें। तो आशा दीदी ANM के पास, जैसे पिछले बार भी हमने आपको दिखाया था चमकी बुखार को लेकर, कि उस आशा दीदी के पास ORS का घोल रखा हो, जो पैकेट होता है वहाँ पर वो मिल जाएगा उनको, और जो जो जानकारी बेसिक जानकारी दी गई है ट्रेनिंग को लेकर वो आपको पूरा लक्षण वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसको लेकर पहले आशा दीदी से मिल लें, वहाँ पर उसका जो फर्स्ट एड उसको करा लें और तुरंत के तुरंत आप जो है अस्पताल के तरफ आगे बढ़ें बच्चों को लेकर। कहते हैं चिकित्सीय परामर्श में विलम्ब के कारण मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। आज तक जो भी जानकारी सामने आई है उस जानकारी में बच्चे को देखा गया है कि देरी होने के कारण ज़्यादा खतरा हुआ है। बच्चे में यदि आपने कहीं से देरी कर दी तो आपके बच्चे की जान चली जाती है और बहुत ही दुखद होता है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी आपको होनी है। ऐसे मैं आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बातें भी आपको यहाँ पर लिखी गई स्वास्थ्य जागरूकता रथ में आपको दिखा रहा हूँ। इस स्वास्थ्य जागरूकता रथ में आप देखेंगे कि ये सारी जानकारी लिखी गई है। आपके यहाँ अगर ये रथ पहुँचा है तो ज़रूर आप इसको देखें समझें और इसका जो अनाउंसमेंट हो रहा है उसको भी आप ज़रूर समझ लें। ऐसे मैं आपको पूरा दिखा दूंगा। साथ ही साथ देखिए स्वास्थ्य जागरूकता रथ में इसमें क्या न करें, ये बातें को मैं ज़रूर पहले बता देना चाहता हूँ। क्या करें अगर तेज़ बुखार हो, तो लिखा गया है ध्यान देने वाली बातें, तेज़ बुखार होने पर पूरे शरीर में आपको तेज़ बुखार होने पर शरीर में ताजे पानी से पोंछने एवं पंखा से हवा करें, ये बातें यहाँ पर लिखी गई है। पैरासीटामोल की गोली जो है ये आपको चिकित्सीय सलाह पर दें, वो डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको उस पर देना है। यदि बच्चा बेहोश नहीं है तब साफ एवं पानी साफ पीने योग्य पानी में ORS का घोल बनाकर पिलाएं। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे को छायादार एवं हवादार स्थान पर लिटाएं। चमकी आने की दशा में मरीज को बाएं या दाएं करवट में लिटाकर ले जाएं। बच्चे के शरीर से कपड़े हटा लें एवं गर्दन सीधा रखें। देखिए मैं इस सारे पॉइंट को तो आपको बता ही देना, इसमें लिखा गया है अगर बच्चे ने दिन में लीची का सेवन किया है तो आप लीची का सेवन किया है तो रात में सोने से पहले भर पेट खाना अवश्य खिलाएं, ये बात ध्यान में रखने की बात है। साथ ही साथ क्या नहीं करना है ये बातें भी लिखी गई हैं कि बच्चे को खाली पेट लीची ना खिलाएं। अभी आने वाला समय जो है हमारा मुजफ्फरपुर लीची यहाँ पर बहुत होता है, तो इसको लेकर बच्चे में देखा गया है कि ऐसे बच्चे जो खाली पेट लीची खाते हैं उनमें भी ये समस्या पनप जाती है। तो खाली पेट बच्चे को लीची नहीं खिलाना है। और उसके बाद अधपकी अथवा कच्चे लीची के सेवन से बचें। अधपका या कच्चा लीची बच्चे को नहीं खिलाना है। साथ ही साथ इसमें बच्चे को कंबल या गर्म कपड़ों में न लपेटना है। जो छोटा छोटा बच्चा होता है, अब लोग उसको पता नहीं चलता है बच्चे को, और उसको गर्म कपड़े में लपेटते हैं, ज़्यादा उसको गर्मी लग जाती है, दिक्कत होती है। बच्चे की नाक बंद नहीं करें, कभी भी मिर्गी आती है तो लोग कहते हैं नाक दबा करके उसको छोड़ाना है, ऐसा नहीं करें, दिक्कत होगी। बेहोशी मिर्गी की अवस्था में बच्चे के मुँह से कुछ भी नहीं दें, ये भी बातें यहाँ पर लिखी गई है। बच्चे का गर्दन झुका हुआ नहीं रखें, चूँकि यह जो दैविक प्रकोप नहीं है, लोग समझते हैं कि भूत प्रेत का प्रकोप है, बच्चे अलबल अलबल बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ये चमकी बुखार है, ये हो सकता है। और इसको लेकर जो यहाँ बातें कही गई है कि चूँकि यह दैविक प्रकोप नहीं है बल्कि अत्यधिक गर्मी एवं नमी के कारण होने वाली बीमारी है, अतः बच्चे के इलाज में ओझा गुनी में समय नष्ट न करें। कभी भी यदि आपके बच्चे को इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो आप ओझा गुनी में नहीं समय नष्ट करना है, सीधे सीधे आपको जाना है और डॉक्टर से मिलना है, ANM दीदी से मिलना है और वहां से इलाज उनका शुरू होगा। साथ ही साथ इसमें देखिए लिखा गया है इलाज में जो समय नष्ट नहीं करें, मरीज के बिस्तर पर ना बैठे तथा मरीज को बिना वजह तंग ना करें। जो बच्चे हैं जो आप वहाँ रिलैक्स में हैं उसको उस पर बिस्तर पर नहीं बैठना है। साफ सफाई को लेकर के भी बात को ध्यान में रखना है, उसको डिस्टर्ब भी नहीं होना चाहिए, उसको रिलैक्स मिलना चाहिए, बच्चे स्टेबल हो जाएंगे, आपको ठीक होगा। ध्यान रहे कि मरीज के पास शोर ना हो और शांत वातावरण बनाए रखें, चूँकि बच्चा बहुत ही अंदर उसको दिमाग में बहुत सारी समस्या होने लगती है, तो उस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी तरह से बच्चे को परेशानी न हो, वो शांत रहते हुए आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को रिलैक्स महसूस कराना है।
आप थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, लोगों को इधर थोड़ा सा मदद करिए, आप इधर आ जाइए। देखिए तो इस तरह से ये सारी जानकारी मैं दर्शकों को इसीलिए दे रहा हूँ कि ये जानकारी हमारे मुजफ्फरपुर क्षेत्र के सभी बच्चों की रक्षा के लिए है और ये आपको आवश्यक है। आप भी जानें, आप भी समझें और आप भी अपने बच्चों को रक्षा करते करते आप समाज के बच्चों की भी रक्षा करें। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उन बच्चों तक पहुँचा दें जिनकी माताओं को ये जानकारी नहीं है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सामान्य उपचार एवं सावधानी जो है वो आपको बरतनी है। अपने बच्चे को तेज़ धूप से बचाएं, अपने बच्चे को दिन में दो बार स्नान कराएं। ध्यान रखिए, देखिए दो बार बच्चे को स्नान कराइए। इसके बाद है कि यहाँ पर ध्यान रखने की मरीज़ के पास शोर ना हो मैं बता रहा था, और गर्मी के दिनों में बच्चे को ORS अथवा नींबू पानी चीनी का घोल पिलाएं। गर्मी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस तरह से नींबू पानी का घोल आपको पिलाते रहना है। और रात में बच्चों को भर पेट खाना खिलाकर ही सुलाएं। बच्चे होते क्या है कि रात में सो जाते हैं, नहीं खाना खाते हैं, तो उनको खाना खिलाकर सुलाना है क्योंकि वो ज़रूरी है, नहीं तो उनको रात में देखा गया है अटैक। चूँकि बहुत सारी कवरेज मैंने की है, जो बच्चे लोगों से बात की है, तो वहाँ पर देखा गया है कि जिन बच्चों ने रात में खाना नहीं खाया उनके साथ ये समस्या हो गई, सुबह होते होते वो बच्चे अपने चमकी बुखार से ग्रसित होने लगे। तो ये स्वास्थ्य जागरूकता रथ है। एक बार मैं अपने कैमरामैन को, आप रमेश जी आप इधर आकर दिखा दें, ये स्वास्थ्य जागरूकता रथ है और मैं आपको पूरा पूरा इसको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर स्वास्थ्य जागरूकता रथ है। इसमें चमकी बुखार की बात एक बार इधर दिखाई। और एक बात हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपातकाल की स्थिति में निःशुल्क एम्बुलेंस हेतु यहाँ पर टोल फ्री नंबर 102 डायल करें। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर स्वास्थ्य जागरूकता रथ में दी गई है। और जो यहाँ पर AES है, आने वाला समय पिछले बार बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है यहाँ पर, जो लोग जिन लोगों ने स्वास्थ्य सेवा में से जुड़े हुए हैं उन लोगों की मेहनत का परिणाम रहा कि बहुत कम लोगों को दिक्कतें हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर चमकी बुखार में इस बार भी हम लोगों को चमकी को धमकी देनी है। और इस बार चौपाल समाचार की टीम भी आपके साथ है, अगर कोई समस्या होती है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप इस तरह से यहाँ पर पहुँच जाएं, बच्चों के मदद के लिए अस्पताल पहुँच जाएं। तो आप इधर आ जाएं। देखिए अब एक साथ और क्या है कि गर्भ के दौरान रखें अपना ध्यान। स्वास्थ्य जागरूकता रथ में ये भी बातें बताई गई है, इसमें भी आपको ध्यान रखने की बातें हैं कि यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन जानकारी जो है वो माताओं को हो जाएगी। आप संपर्क रखें वो स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े लोगों से। और एक तरफ से जो स्वास्थ्य जागरूकता रथ में बात कही गई है वो यहाँ पर आपको देखिए कि गर्भावस्था में क्या करें क्या नहीं करें, गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण, तो ये भी बातें यहाँ पर लिखी गई है। ऐसे मैं आप सभी दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये स्वास्थ्य जागरूकता रथ, अगर आपने इसको समझ लिया, अगर आपने इससे जो बातें लिखी गई है, जो बातें बताई गई है, अगर आपने उसको फॉलो किया या आपके परिवार के लोगों ने फॉलो किया, तो जान लीजिए कि आपको बहुत ही मदद मिलेगी। आपका सारा जो 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 स्थित जो यहाँ पर दिक्कत होती है वो सारी जानकारी इतनी छोटी सी बात में लिखी गई। तो आज दर्शकों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बातें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे समाज के लिए है, इसमें हम भी आते हैं, इसमें आप भी आते हैं। अगर आप कहीं से परेशान हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि हम भी परेशान हो रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, विशेषकर मुजफ्फरपुर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग जो चमकी बुखार AES के जैसे क्षेत्र जो प्रभावित होते हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो ये है आपका स्वास्थ्य जागरूकता रथ। और एक बार मैं और यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये स्वास्थ्य जागरूकता रथ चलाने वाले हैं, क्या नाम हुआ आपका वो बताएं? दीपक कुमार। दीपक जी कहाँ कहाँ भी घूमे हैं स्वास्थ्य जागरूकता रथ लेकर? यहाँ 14 पंचायत घूमना है, यहाँ पकड़ी घूमे हैं, मरवनपुरा, भटौना, उधर कोदरिया और आज इधर घूम रहे हैं। चलिए तो इधर आप जब घूमते हैं तो लोग इसे देखते हैं, समझते हैं इसको? कुछ लोग पढ़ते हैं और पूछते भी हैं कि क्या चीज़ का प्रचार है, तो हम लोग बोल देते हैं कि यहाँ जागरूकता रथ है, या कोई भी आपको बच्चा को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो जाकर अपना आशा से संपर्क कीजिए या बगल का डॉक्टर से कुछ राय विचार लीजिए, बस यही लोग हम लोग समझा देते हैं। चलिए तो ये है दीपक जी और आप भी इनके साथ में हैं सहयोगी, क्या नाम हुआ आपका? MD सादिक। सादिक जी तो आप भी जागरूकता रथ के साथ साथ रहते हैं जी, लोगों को जानकारी देते रहते हैं। चलिए तो इस बार क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हम इस बार यही कहना चाहेंगे, चमकी बुखार में बच्चों को जो बताया गया है कि बासी खाली पेट नहीं सोने देने के, इस बार हम लोग गाँव हर गाँव में गए, सभी लोगों ने रुकाया हमको, पूछा कि आप क्या इस प्रचार कर रहे हैं, तो हम लोग बताया कि चमकी बुखार के जिससे पिछले साल जो हमारे मुजफ्फरपुर ज़िला में जो घटना हुई उससे हम लोग बहुत दुखी है, इस कारण हम लोग कुछ अपने मदद से सहयोगी से वर्ल्ड वीजन इंडिया के सहयोगी से हम लोग
आप लोगों को गांव और समाज में आए हैं कुछ बताने की, इससे जागरूक होइए आप लोग, से चमकी बुखार से इस बार चमकी को धमकी से धमकी देना है इस बार चमकी को। चलिए तो ये जो कार्यक्रम है स्वास्थ्य जागरूकता रथ, इन्होंने बताई, आपका बहुत बहुत दोनों लोगों का धन्यवाद। आप गांव में घूमिए, लोगों को जानकारी दीजिए। तो मैं आप दर्शकों को बता दूं कि ये जिला स्वास्थ्य समिति मुजफ्फरपुर के द्वारा यहां पर चला ये 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 जो रथ है वो आपको यहां पर दिखाया गया। साथ ही साथ एक संस्था जुड़ी हुई है, ये है वर्ल्ड विजन करके है इंडिया। तो इस तरह से आपका मैं ये जो जागरूकता रथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। समाज के बेहतरी के लिए जो लोग काम करते हैं बहुत अच्छा लगता है, आपको भी अगर लगता होगा तो ज़रूर इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन रमेश कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद चौपाल, समाचार के लिए धन्यवाद।